अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर राजकीय महाविद्यालय कांडा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने मातृभाषा के संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मधुलिका पाठक ने कहा कि किसी भी समाज की प्रगति वहाँ की मातृभाषा तथा संस्कृति के संरक्षण पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि समृद्ध मातृभाषा तथा समृद्ध संस्कृति ही सशक्त समाज का निर्माण कर सकती है। उन्होंने छात्र छात्राओं से मातृभाषा व संस्कृति के संरक्षण की दिशा में आगे आने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए मातृभाषा को संरक्षित करने का संकल्प लिया। मैं निकिता भंडारी कांडा महाविद्यालय की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर अपने कुछ शब्दों को रखना चाहती हूँ, जो कि सबसे पहले हमारा उद्देश्य है कि हिंदी दिवस हम मनाते क्यों हैं, उस हिंदी मातृभाषा हम मनाते क्यों हैं, उसका उद्देश्य है कि हिंदी को महत्वता देना। हम दुनिया में अंग्रेजी दिवस नहीं मनाते क्योंकि उसकी खुद इम्पोर्टेंस है, हमारे हिंदी दिवस की कोई महत्वता नहीं है, इसलिए उसका मेन मकसद जो है वह है कि हिंदी दिवस मनाना। अगर हमारी चीज़ें यहाँ से तय हो जाएंगी तो हमें इस तरह की फॉर्मेलिटी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए जो हमारा मकसद है वह है कि हिंदी को महत्वता देना। मैं नीलम आर्या, सह सचिव कांडा महाविद्यालय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे महाविद्यालय में मातृभाषा हिंदी दिवस मनाने के उपलक्ष्य में हम सभी एकत्रित हुए हैं। तो मैं नीलम आर्या यह कहना चाहूँगी, हिंदी हमारी मातृभाषा है, जो कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। 1949 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला, वह आज भी हिंदी संचार पत्र पत्रिकाओं की सरलतम भाषा के लिए उपयोग की जाती है। वह यह हमारे लिए बहुत बहुत गर्व की बात है कि हमारे विद्यालय में हिंदी भाषा व संस्कृत भाषा भी सुचारू रूप से इनकी क्लासें चलाई जाती हैं। वह एक ये हमारे लिए एक गर्व की बात है कि हम हिंदी के स्टूडेंट हैं, वो हमारे कॉलेज में हिंदी को भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना अन्य विषयों को दिया जाता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं बबीता पंत, एमए थर्ड सेम की छात्रा, कांडा महाविद्यालय की छात्रा हूँ। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि आज यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो इस उपलक्ष्य पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे जैसे आज दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी भाषा का अत्यधिक महत्व होता जा रहा है, तो अंग्रेजी भाषा का भी महत्व बहुत है, ये तो हम सब जानते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं आगे को दुनिया डिजिटल होती जा रही है तो अंग्रेजी का महत्व बढ़ता जा रहा है। परंतु हम एक दूसरे से संपर्क करने के लिए हमें हिंदी भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हम किसी भी क्षेत्र में देख लें, क्योंकि अंग्रेज अगर यहाँ से कहीं बाहर से आते हैं तो हमें उनसे संपर्क भी करना जरूरी होता है, क्योंकि हम अपने विचार उन तक पहुँचाना चाहते हैं तो उनको भी हमारी भाषा समझ में आनी चाहिए। तो अगर हम नॉलेज के हिसाब से देखे जाएँ तो अगर हमें इंग्लिश का ज्ञान है तो हम इंग्लिश भाषा से उनको अपने सांस्कृतिक अपने कल्चर के बारे में सब कुछ ज्ञान करा सकते हैं। तो इंग्लिश के साथ होते होते हमें हिंदी भाषा का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। आज 23 फरवरी को हम मातृभाषा दिवस मनाने के लिए अपने महाविद्यालय में मेरे सभी प्राध्यापक कर्मचारी तथा समस्त छात्र छात्राएं भी एकत्रित हुए हैं। इस दौरान हम कोविड-19 के नियमों का पालन कर रहे हैं, सब मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भी हमारे यहाँ पालन किया जा रहा है, और बच्चों ने मातृभाषा के महत्व को कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से दिखाया है, प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। बड़ा सराहनीय प्रयास है, क्योंकि हमारे पास संसाधन जरा सीमित हैं, हमारे भवन का हस्तांतरण नहीं हो पाया है, इस वजह से कुछ परेशानियां हैं। ऑडिटोरियम होते ही हम इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से कर पाते, तो मैं ये उम्मीद करती हूं कि आप पत्रकार बंधु भी हमारी इस कार्य में मदद करेंगे, हमारे महाविद्यालय की उन्नति हो, ऐसी मैं आशा करती हूँ, और मातृभाषा दिवस पर मैं सभी को बधाई देती हूँ। सीसीएन न्यूज़ के लिए कांडा से पंकज दशीला की रिपोर्ट।